अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को पता है, प्री कारगिल विजय दिवस की इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसी के साथ अभी हमारे साथ जुड़े हैं कारगिल हीरो। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले अपना एक्सपीरियंस बताइए सर, कि आज आप उसी जगह पे हैं जहाँ पे कारगिल वॉर लड़ी गई थी। मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं मेजर नरेश कुमार 41 फील्ड रेजिमेंट कारगिल से बिलोंग करता हूँ, और मेरा ये सौभाग्य है कि लेह लद्दाख में 25 साल के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। मेरा ऑपरेशंस मस्को वैली में 0.4700 पर था, जो कि टाइगर हिल का सप्लाई लाइन को काटने के लिए था, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ में। हम लोगों ने दो नाइट दराज से स्टार्ट किया, दो नाइट चल करके तीसरी नाइट में 0.4700 पर अटैक किया, जिसके अंदर बफोर्स यूनिट्स का जो गन था उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उस रेंज के ऊपर जो मस्को है, आप यहाँ से देख सकते हैं, मस्को सबसे लास्ट में, और मस्को के बैक साइड में, टाइगर हिल के बैक साइड में 0.4700 है, जो आपने सफ़ेद नाला, आप तो लोकल हैं जानते होंगे, सफ़ेद नाला से जा कर के आप ऊपर 0.4700, एक पाकिस्तान एनिमी का भी दाद देना पड़ेगा। उन्होंने जो पोजीशंस कैप्चर बैठे थे, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशंस लेकर के बैठे थे, ऐसा नहीं है सभी पोजीशंस के ऊपर बैठ गए, उन्होंने वो पोजीशंस कैप्चर की जिसकी की अहमियत ऑपरेशंस टैक्टिकली बहुत ज़्यादा था। टाइगर हिल को वो सप्लाई लाइन था और टाइगर हिल को सपोर्ट करता था, तो मस्को वैली से जाकर के स्पेशल फोर्सेस का जो आर्मी का है, 1 SF 21 SF 6 पैरा 7 पैरा, मैं 7 पैरा के साथ में एज ए फॉरवर्ड ऑपरेशन OP ऑफिसर था। हम लोगों ने 3 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद उस पोजीशन को कैप्चर किया, फिर उसके बाद में हम दूसरी पोजीशन पे 4960 4905 और उस पोजीशन का अभी जो आपका परियों का तालाब है सफ़ेद नाला से जा कर के उसके ऊपर, वहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किया। मैं ऑपरेशंस में तकरीबन 1 महीना 15 जून से लगा करके अगस्त में 15 अगस्त के बाद तक मैं वहाँ पर रहा, उसके बाद में हमारा यूनिट इसी एरिया के अंदर डिप्लॉय हो गया, और हम लोगों ने इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के साथ में मिलकर के अपनी जो इंडिया की पोजीशंस है, दराज से लेकर के बटालिक दा सिल्मो देन आपका हंडनब्रोक, उस एरिया के अंदर कंसोलिडेट डेट किया, अपने पोजीशंस को बहुत अच्छा बनाया और स्ट्रॉन्ग किया। ये हमारा रोल रहा, यहाँ के लोगों का, लेह लद्दाख के लोगों का हम थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो अभी 25 साल के बाद जो मैं आया हूँ, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एरिया का, देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और आप लोगों ने उस टाइम पर लॉजिस्टिकली हम ट्रूप्स को, क्योंकि ऊपर चढ़ना पैक के साथ, अमनेशन के साथ आसान नहीं होता है, तो आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारे ट्रूप्स को, तो उसके लिए हम आप लोगों का, पूरे लेह लद्दाख के लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। अव्वल तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर, जिस तरह हम कह रहे हैं कि प्री कारगिल विजय दिवस के जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो अभी ठीक हम लमुचन व्यू पॉइंट में हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं खासकर एक कारगिल हीरो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो क्या एक्सपीरियंस रहा सर, आप 25 साल के बाद आज इस वीर भूमि में आज आप हैं? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इधर कभी दोबारा आने का मौका मिलेगा, पर जब आर्मी ने हमको बुलाया और इज़्ज़त दिया, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ये लड़ाई के बाद भी हम 2 साल द्रास में रहे थे, तो
मैं ये सब भी देखा हूँ कि कैसे गांव पूरा भस्म हो गया था और फिर गांव के लोग कैसे अपने घर दोबारा बनाने का कोशिश कर रहे थे सर्दियों में, क्योंकि सर्दी होने से पहले ही घर का छत चाहिए, स्कूल चालू करना था, तो गांव और पूरे गांव वाले तो यहाँ से द्रास से निकल करके, द्रास बिम्बट जो भी कितने गांव हैं, निकल करके पीछे चले गए थे सुरू वैली में। क्या मैसेज रहेगा खासकर युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर के मेरा ये संदेश है कि जो आप करना चाहते हो वो उसमें आप लगे रहना चाहिए। फेलियर वगैरह होगा पर आपको लगे रहना चाहिए, और अगर आप ज़िंदगी में किसी दूसरे का बुराई नहीं करोगे तो आपके साथ भी बुरा नहीं होने वाला है। और दूसरों को बुरा करके अपने आप को आगे बढ़ाने में कोई आप नहीं सो पाओगे रात को। थैंक यू सर। थैंक यू।